السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يبقىه قولي ربنا زدنا علما اللهم فكحنا في الدين امين يا رب العالمين तारीख इस्लाम का जो सिलसिला शुरू किया गया है उसमें हम पढ़ेंगे हजरत नू असलाम के बारे में हमने हजरत आदम से हजरत नू आलाम के दरमियान तक आने वाले काबिल जिक्र जो नाम है उनको पहले भी देखा था और भी बहुत सी औलादे थी लेकिन कुछ नाम जो थे वो काबिल हैं जो कि मुख्तलिफ तरह से हमने आ, कुरान पाक और हदीस में सुने जिनमें काबिल हबील हजरत शीसलम हजरत इद्रीसम और इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम इनशाला हजरत नू आम के बारे में पढ़ेंगे हजरत आदम का वाक़ कुरान पाक में पच्चीस मरतबा आया जबकि हाबील और काबिल का वाक्य सूरत में मौजूद है इसी तरह हजरत इद्री सलाम का वाक़ जो है वो पुराने पाक में इनके बारे में दो मरतबा दो आयात ऐसी हैं जिनमें इनका नाम के साथ जो है वो अल्लाह सुबहान जिक्र फरमाया और आज हम देखते हैं कि हजरत नू अम का जिक्र कुरान पाक में तैतालीस मरतबा यानी फोर्टी थ्री टाइम्स आया है तो आज हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुरान पाक में इतना ज्यादा हजरत नू असलम का जिक्र जो है वो क्यों किया गया और इसकी क्या वजह थी कि हजरत नू असलम के बारे में हमारे लिए जानना इतना ज्यादा जरूरी है तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं हजरत नू असलम के औसाफ कुब तवारीख और तफासिर में लिखा है कि अल्लाह सुबहाना ने हज़रत नू नूसम को बेहतरीन सिफात से मौसू किया था नंबर वन ये थी, पहली आपकी ये थी आप उलुल अजम पैगम्बर थे यानी आपको जो शरीय थी वो जुदा गाना मिली थी और आपसे पहले के जो अम्बिया थे जैसे हमने हजरत शीलाम के बारे में पढ़ा था और हजरत इदरीसा के बारे में तो ये दोनों जो थे वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलते थे इनको कोई अलीदा से शरीयत नहीं मिली थी जबकि हजरत नू अलैहिस्सलाम को शरीयत अलीदा दी गई थी और उलुल अजम पैगम्बरों के बारे में भी हमें हमें जो है ये मालूम होना चाहिए कि एक ज़ीफ़ रवायत के मुताबिक एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर हैं तो फिर उनमें से जो पांच हैं वो उलआजम पैगम्बर कहलाते हैं जिनमें एक हज़रत नू नूअल भी हैं दूसरी जो सिफत आपकी है वो ये है कि आपको आदम का लकब जो है वो दिया गया हजूर रबी से अता हुआ क्योंकि आप से इस आलम इंसानी की दोबारा पैदाइश हुई थी तीसरी सिफत यह है कि आप तमाम अहल जमीन पर मबूस हुए अपनी हफ्ते हफ्तेम पर आप अकेले नबी बना भेजे गए यानी आपके बाद जो दुनिया दोबारा जो थी वो मार्ज वजूद में आई तो उस वक्त पूरी जमीन जितनी बड़ी जमीन थी उन सब के ऊपर जो नबी थे वो हजरत नू असलम ही थे चौथी सिफत यह है कि सबसे पहले इस आलम में जिसने बुत परस्ती से लोगों को डराया और मना किया वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे पांचवी सिफत यह है कि आप सबसे पहले पैगंबर हैं जिनकी बददुआ से पूरी कौम हलाक हो गई थी छठी सिफत यह है कि कयामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले जो सर से खाक झाड़ते हुए अपनी कब्र मुबारक से निकलेंगे वो हजरत नूह अलैहि सलाम ही होंगे सातवीं सिफत यह है कि किसी भी नबी को इतनी दराज जिंदगानी इस आलम फानी में नहीं मिली जितनी के हजरत नू असलाम को अल्लाह सुबहाना वाले की तरफ से जिंदगी अता हुई यानी साढ़े नौ सौ साल की उम्र आपकी हुई आठवीं सिफत ये है कि बावजूद इस दराजी उम्र के आपका एक भी दांत नहीं टूटा कोई बाल सफेद नहीं हुआ जिसे मुबारक में जरा भी काहिली और सुस्ती नहीं आई इसी तरह तोाना और मजबूत है जैसे जवानी में होते नवी सिफत यह है कि इबादत खुदाबंदी से आप बेहद उल्फत रखते और हर आन उसी में महबूब मुस्तरक रहा करते थे दसवीं सिफत यह है कि बावजूद कौम की ईजा रसानियों के और तकलीफ के यानी साढ़े नौ सौ साल की उम्र में इतनी ज्यादा इस कौम ने तकलीफ दी हजरत नूसम को लेकिन उसके बावजूद भी कौम के साथ एहसान करने में जरा भी दरे ना करते थे हमेशा उन पर मेहरबानी से पेश आते थे हज़रत आदम और हजरत नू अलैहिस्सलाम के दरमियान फासला हजरत आदम और हजरत नू अलैहिस्सलाम के बाद जो दरमियान में दस करनों का फासला है जैसे कि हाफिज अबू हातिम बिन हबान ने अपनी सही में कहा है अबू अबू सलाम कहते हैं कि मैंने हजरत अमामा रजी से नबी करीम, कि तो करीम जवाब दिया हाँ आप नबी थे और अल्लाह सुबहान तला से कलाम भी करते थे यानी आप पर वही भी आती थी उस शख्स ने दूसरा सवाल किया या रसूल सल्लाम हज़रत आदम सलाम और हज़रत नू सलाम के दरमियान कितना अरसा है तो हजूर नबी करीम सल्लाम ने फरमाया दस कर्म का और एक कर्म जो है वो सौ साल का होता है कर्म से मुराद यहाँ पर इंसानों का ग्रो भी हो सकता है जैसे कि कुरान पाक में भी सूरत इसरा की आयत है वकम अहलक ना मिनल कुरूनी मिम्बादिनू और कितनी कोमे हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया है नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम मुख्तल तारीख की किताबों में आपका असली नाम जो है वो अब्दुल गफ्फार और सुरियानी जुबान में लश्कर था मगर नूह अलैहिस्सलाम के लकब से आप इसलिए मशहूर हुए कि आप खुदा ताला के खौफ से रोते बहुत थे नोहा से है नूह तो इसी वजह से आपका जो लकब है वो आपके नाम पर गालिब आ गया है और आप अपने लकब से यानी नू अम से ही आप जो है वो मशहूर हुए दुनिया की हालत और बेसत हजरत नू नूसलाम हजरत नू नूसलाम को अल्लाह ने उस वक्त मबूस फरमाया जब दुनिया परस्ती पर थी और नस्ल आदम जलालत और गुमराही की वादियों में भटक रही थी अल्लाह सुबहान वाल के मुतलिकीबो व गरीब नज़रियात उस वक्त मौजूद थे और कुफर का दौर था अल्लाह जैसे कि के क्यामत के रोज आपको लोग अव्वल कहकर शफात के लिए अर्ज करेंगे और ये हदीस जो है वो बुखारी में मौजूद है दुनिया में बुतप्रस्ती की इब्तदा कब हुई थी परस्ती के रिवाज का असल सबब वही है जिसे इमाम बुखारी ने इबन जरी की हदीस के हवाले से बयान किया जिसे उन्होंने, अता से उन्होंने हजरत इबन अबास की आयत है जो कि आपके सामने है और इसमें हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाते हैं कि यहाँ पर जो है वाह या गुस या ऊक और नसर हजरत नू अल्लाम की कौम के लोगों के जो नेक लोग थे उनके नाम हैं जब वो सालहीन दुनिया से रहलत फरमा गए तो शैतान ने उन लोगों के दिलों में वसफा अंदाजी की कि वो उनकी मजालिस और बैठकों की जगह पर पत्थर खड़े कर दें और इन पत्थरों को इन सालहीन के नाम से मौसूम कर दें तो जहन में रखे कि सबसे पहले शैतान ने पत्थर खड़े करवाए फिर उन्होंने अव्वल अव्वल तो ऐसे ही किया लेकिन जब वो लोग फोत हो गए कि जिन्होंने वो पत्थर खड़े किए थे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन पत्थरों के जो थी, वो कम रह गई, और फिर क्या हुआ? अकीदा बदल गया और उन्हीं पत्थरों की इबादत शुरू हो गई क्योंकि अगली नस्ल ने देख लिया था कि जो हमारे बड़े हैं उनको इन पत्थरों से बहुत अकीदत थी तो एक दम से जो था वो अकीदा चेंज हुआ और उनको समझ ये लगी कि हमारे बड़े जो थे शायद इन पत्थरों की इबादत करते थे हजरत इबन अब्स रजी फरमाते हैं किम के बाद यही बुद्ध बाद अरब लोगों के मबूद कर भी यही फरमाया है फरमाते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत नूसम के दरमिया सदियों में अल्लाबह के कुछ नेक बंदे बहुत शोहरत रखते थे उनके पैरोकार उनसे बहुत मोहब्बत और अकीदत रखते जब वो बंदगाने खुदा रहलत फरमा गए तो उनके मुतबीन ने सोचा कि अगर हम इनकी तस्वीरें बना ले तो जब इन तस्वीरों को देख कर अल्लाह के इन बंदों को याद करेंगे तो शौके इबादत ज्यादा हो जाएगा और हम इबादत खुदाबंदी में कोताही नहीं करेंगे ये सोचकर उन्होंने तस्वीरें बना ली जब ये लोग भी वफात पा गए तो इबलीस चुपके से बाद वालों के पास आया और उन्हें बताया तुम्हारे असलाफ इन तस्वीरों की इबादत करते थे यानी इन्होंने भी दुनिया से रुखसत होते हुए अपनी औलाद को इनके बारे में को खास जो था वो नहीं बताया ये नहीं बताया कि हम तो सिर्फ अकीदत में ये तस्वीरें बनाई हुई थी लेकिन बाद में शैतान ने क्या उनके दिलों में डाल दिया कि इन तस्वीरों की तो इबादत की जाती थी और फिर ये भी उनके उनको बताया शैतान ने कि उन्हीं के वसीले से उन पर बारिश भी होती थी यानी कुछ दो चार चीज़ें खुद और भी ऊपर से जो थी वो उसमें डाल दी ये सुनकर नई नस्ल ने तो इन बुतों की इबादत करना शुरू कर दी इब्न अभी हातिम और बाबिन जुबैर से रवायत करते हैं आपने फरमाया सवा, वूब याऊक और नसर हज़रत आदम के बेटे थे और वद इनमें उम्र में सबसे बड़ा था सबसे ज्यादा मुतकी और परहेजगा था इबन अभी हातिम फरमाते हैं हज़रत इमाम वाक रजी नमाज पढ़ रहे थे लोगों ने वही यजीद बिन महलब का छेड़ दिया रावी कहता है कि जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि तुम लोग यजीद बिन महलब के बातें कर रहे थे यजीद बिन महलब इस सरजमीन में कत्ल हुआ जिसमें सबसे पहले परस्ती शुरू हुई फिर वध का जिक्र छेड़ा गया तो आपने फरमाया कि वध एक नेक आदमी था और वो अपनी कौम में नहाय अकीदत और मोहब्बत की निकाह से देखा जाता था जब वध ने रहलत फरमाई तो उनके मुतबीन ने उनकी कबरों के तवाफ करने लगे रोने पीटने लगे की कबर बाबल में थी जब इबली से लईन ने उनकी आहोजारी देखी तो इंसानी उनके पास आया और कहने लगा कि मैं इस शख्स पर तुम्हारी आहोबका देख चुका हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए इसकी एक शबी ना बना दू एक सूरत ना बना दू कि तुम घरों में रख लो और उसे याद किया करो वध के अकीदतमंदों ने कहा हमारे लिए शबी बना दीजिए शैतान ने वत की शबी तैयार की और उन लोगों ने ये शबी अपने घरों में रखी जैसे बुत होते हैं और और उनकी शकल भी होती है और पूरा चेहरा जो है वो बना होता है इस तरह से जो था उन, उसकी एक शक्ल सी बनाकर इनके घरों में जैसे आज भी आपने अगर देखा हो कोई आ, मीडिया पर कोई ऐसी चीज देखी हो जिसमें जो हिंदू होते हैं उनके घरों के अंदर ये तमाम जो बुत वगैरह होते हैं सिर्फ उनके मंदिरों में नहीं होते बल्कि उनके घरों के अंदर भी मौजूद होते हैं तो उस वक्त भी शैतान ने जो शबी तैयार की थी वध की तो वो शबीह जो थी वो इन्होंने अपने घरों में रख ली थी यानी हर एक के पास जो थी एक, एक उसकी शबीह मौजूद थी यानी उसका एक बुत जो था वो मौजूद था और फिर उसे याद भी करने लगे जब कुछ अर्सा गुजर गया और वध का बा से जिक्र शुरू हो गया तो शैतान ने कहा कि मैं हर घर के लिए एक छबी तैयार कर दूं तो क्या ख्याल है अब देखें जितने भी घर है इर्द गिर्द सबके लिए वो कह रहा है कि अब सब अपने अपने घरों में एक बुत रखो ताकि हर शख्स के घर में वत की छबी मौजूद हो और वो हर वक्त उसे याद किया करे लोगों ने इस तजवीज का जो जवाब था वो हाँ में दे दिया हर घर में तमसील बन गई और बच्चों ने अपने वालदेन और बड़ों को जब देखा तो खुद भी उनकी पैरवी करने लगे और सिलसिला चलता रहा आखिर यह अकीदतमंदी और जिक्र का सिलसिला पर जाकर खत्म हुआ और आने वाली नस्लों ने को को खुदा मानकर इबादत शुरू कर दी सबसे पहले जिस बुत खुदाई का दर्जा मिला वो एक साले शख्स यानी बध का बुत था इस गुफ्तु का मकसद ये है कि इनमें से हर बुत की लोग इबादत करते थे जैसा कि ऊपर उप, भी जो है वो जिक्र कर दिया गया है और गर्दिश जमाना के साथ साथ ये जो शक्लें थी ये मुजस्म खुदाओं का जो है वो रूप धारती गई और यूं लोग जो थे अल्लाह सुबहान वाली को छोड़कर उनकी बंदगी करने लगे और इसी तरह मुश्रकिन के भी पुतपरस्ती के बारे में मुख्तलिफ मसलक थे और इसी तरह क्योंकि ये जो पूरा लिया गया है ये तफसीर तारीख इबन कसीर से अलभदाया व नहाया से लिया गया है तो वो आगे कहते हैं कि जिन्हें हमने अपनी तफसीर इबन कसीर में तफसील से बयान कर दिया है तो अगर आप देखना चाहें तो सूरह नू की जहाँ पर ये जिक्र आता है इनका वहाँ पर तफसीर इबन कसीर में ये सारा वाक्य जो है आप तफसील से जो है वो देख भी सकते हैं और अपनी किताब का भी जो है यहाँ पर उन्होंने जिक्र कर दिया और आपको भी इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर इस सारे वाक्य को आप खुद पढ़ना चाहे तो तफसीर कसीर में सूरत नू की तफसीर में आप इसको पढ़ सकते हैं तो यहां से पता चल गया कि जो है वो बुध परस्ती कहाँ से शुरू हुई और जो सबसे ज्यादा खासुल खास बात यहाँ से हमें पता चली वो ये है कि मुश्रकिन के बुध परस्ती के बारे में मुख्तलिफ मसलक थे ये ये एक चीज जो है ये बहुत खास खास है जैसे आप देखें कि हम मुसलमानों के बहुत ढेर सारे मसलक हैं तो इसी तरह जो मुशरकिन थे जो बुधप्रस्त थे उनके भी मुख्तलिफ मसलक जो थे वो बन चुके हुए थे जिसका हमें तारीख की किताबों से पता चलता है बुखारी और मुस्लिम में एक रवायत है कि जब हजरत उम्म उम्मे हबीबा रजी ने हजूर नबी करीम सलम की खिदमत में हबशा की सरजमीन में मारिया नामी कलीसा का जिक्र किया था ये दोनों इन्होंने पहले जो थी वो हबशा हिजरत की थी और उसके बाद ये मदीना में आई थी और हबशा में क्योंकि हम जानते हैं कि वहां का जो मजहब था वो क्रिश्चियनिटी था और वहां पर जो थे वो मुख्तलिफ तरह के गिरजे थे और गिरजों के अंदर इन्होंने जो था वो मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें देखी थी तो वो जो तस्वीरें देख कर ये आई थी तो इसका जिक्र जो था इन्होंने नबी करीम सली वसलम से किया था तो मारिया नामी कलीसा का जिक्र किया इसकी खूबसूरती और इसमें रखी गई तस्वीरों के मुतल गुफ्तु गुट की तो हजूर नबी करीम सली वम ने फरमाया जमान कदीम में जब कोई नेक शख्स मर जाता था तो लोग उसकी कबर पर एक इबादत गाह तमीर कर देते थे फिर इस इबादत गाह में इसकी तस्वीर बना देते थे अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के नजदीक ये लोग सबसे बुरे हैं यानी अब आप देख लीजिए कि यहां से क्या चीज पता चलती है कि कोई नेक शख्स अगर मर जाता है और उसकी कबर पर इबादत गाह बना ली जाए और फिर जो है वो जाकर वहां पर बैठ कर इबादत की जाए तो अल्लाह सुबहाना वाल की मखलूक में अल्लाह के नजदीक दोबारा से देख लीजिए अल्लाह सुबहाना व मखलूक में अल्लाह सुबहाना वाल के नज़दीक ये लोग सबसे बुरे हैं तो फिर यहीं से हम देख लें कि आज कल आप में हम सब क्या कर रहे हैं कब्रों के ऊपर हमने इबादत गाहें नहीं बनाई हुई और अगर हम कहें कि हम तो इबादत तो उनकी नहीं करते तो आप देखिए कि अगर वहां जा कर कोई नमाज का वक्त आता है तो वहीं पर ही हम नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं वहां बैठ कर हम कुरान भी पढ़ रहे होते हैं लेकिन इस हदीस के पेश नज़र ये कितनी खौफनाक हदीस है कि अल्लाह सुबहाना वतला की जितनी भी मखलूक है उन सब मखलूक में अल्लाह व तआला के नजदीक ये लोग सबसे बुरे हैं एक तरफ सारी मखलूक करते दूसरी तरफ इन लोगों को करते कि जो के ऐसी जगहों पर जाकर इबादत करते हैं और दुनिया के सबसे बदतरीन लोगों का जिक्र करें तो वो ये लोग हैं जो के इस तरह के काम करते हैं अल्लाह सुबहाना तआला हमें ऐसे कामों से दूर फरमा दें और अल्लाह सुबहाना तआला जो लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं और अपनी मुरादे लेकर जाते हैं अल्लाह सुबहाना तआला उनको भी तोहिद पर लेकर आए और अल्लाह करे कि हमारा ये जो बताना है कोई एक ऐसा सुन ले कि वो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अगर यहीं से कोई रहनुमाई ले ले तो इन लिए भी ये एक सदका जारिया हो जाएगा फिर इन रवायात को बयान करने का मकसद ये है कि जब जमीन में इंतशार की आग फैल गई और बुत परस्ती की लानत आम हो गई तो अल्लाह सुबहाना ने अपने बंदे और रसूल हजरत नू सलाम को मबूस फरमाया ताकि वो अल्लाह सुबहाना वाल के बंदों को उसकी बंदगी की दावत दे। और उन्हें कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उन्हें गैर अल्लाह की इबादत से रोक दे हजरत नू असलम बनी नो इंसान की तरफ तशरीफ लाने वाले अल्लाह सुबहाना व पहले रसूल है जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस से साबित है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शफात में रवायत करते हैं आपने फरमाया कि लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे क़यामत वाले दिन जब वो पचास हजार साल बड़ा जो है वो दिन होगा और उस दिन में लोग खड़े हो हो कर जो है वो थक जाएंगे आखिरकार लोग जो हैं वो खड़े होकर इतनी ज्यादा तकलीफ महसूस करेंगे कि वो कहेंगे कि बस अल्लाह सुबहाना व कहें कि अब जो भी फैसला करना है कर दे चाहे तो हमें जन्नत में भेजना है या जहन्नुम में भेजना है जो भी करना है बस जल्दी कर दिया जाए क्योंकि आप देखिए पचास हजार साल खड़ा होना अगर मैं इस वक्त हम कहें कि पचास मिनट खड़े हो जाए तो आप देखिए कि 50 मिनट के अंदर हमारी क्या हालत हो जाएगी तो इतने बड़े दिन में खड़ा होना एक दिन अगर किसी को कहा जाए तो आप देखिए उसका क्या हाल होगा और इतने बड़े दिन में खड़ा होना जो है वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाएगा और फिर इंसान जो है वो जल्द फैसला करने के लिए अम्बिया की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले लोग हजरत आदम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे ए आदम आप अबुल बशर हैं अल्लाह सुबहाना ने आपको अपने दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया आप में रूप हूं और फरिश्तों को आपके सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो फरिश्तों ने आपको सजदा किया अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में ठहराया क्या आप अल्लाह ताला के हजूर में हमारी शिफात नहीं फरमाते आप देख नहीं रहे कि हम किस कदर मुश्किल और तंगी में है यानी हमने जैसे एक और हदीस में पढ़ा जिसका मफह यह है कि क्यामत वाले दिन हमें सिर्फ इतनी जमीन मिलेगी जिस पर हमारे दो पाओ होंगे यानी इतनी तंग ज़मीन होगी, क्योंकि हज़रत आदम सलाम से लेकर वो जो आखिरी शख्स इस दुनिया में आएगा सब उस मैदान में हाजिर होंगे तो बस थोड़ी सी जो जगह है वो हमें मिलेगी तो एक मुश्किल यानी वो खड़े होने की मुश्किल और दूसरा इतना ज्यादा तंग माहौल होगा जिसकी वजह से लोग जो हैं वो घबरा जाएंगे और कहेंगे क्या कि आप देख नहीं रहे हम किस कदर मुश्किल और तंगी में है आदम आज मेरा रब बहुत जलाल में है इतने जलाल में वो पहले कभी भी नहीं हुआ और ना कभी बाद में इस तरह जलाल में होगा अल्लाह सुबहना ने मुझे शजर ममनुआ के करीब जाने से मना फरमाया था मगर मैं ना कर बैठा था और अलमान अलमान फरमाएंगे और कहेंगे कि किसी और के पास जाओ फिर वो हजरत नू अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें कहेंगे कि हज़रत नू अलैहिस्सलाम के पास जाओ और फिर वो उनसे अर्ज करेंगे ए नू आप पहले जमीन की तरफ मबूस होने वाले सबसे पहले रसूल है तो यहाँ पर बताने का क्या मकसद है कि ये हदीस में मौजूद है कि अहले जमीन की तरफ मबूस होने वाले पहले रसूल है अल्लाह व तआला ने आपको शुक्रगुजार बंदा कहा है कि आप देख नहीं रहे कि हम किस कदर तकलीफ में हैं हम जिस हालत को पहुंच चुके हैं आप मुलाजा नहीं फरमा रहे कि आप हमारी बारगा खुदाबंदी में सिफारिश नहीं फरमाते हजरत नूसम जवाब देंगे आज मेरा परवर इतने गजब व जलाल में है कि ना इससे कबल कभी हुआ और ना बाद में होगा और अल अमान, अल अमान कहेंगे और फिर इसके बाद बहुत लम्बी ये हदीस है और आखिर में हजरत मोहम्मद सलील वसलम से दरखास्त की जाएगी और अल्लाह के नबी सल तमाम इंसानों की जो है वो शफात फरमाएंगे इन शजरत नू आम की लोगों को दावत तबली। अल्लाह सुबहाना ने जब हजरत नू आम को पैगम्बर बना कर मबूस फरमाया तो आपने अपनी कौम के लोगों को अल्लाह सुबहाना की इबादत की दावत दी उन्हें हुक्म दिया कि अल्लाह सुबहाना वाल के साथ किसी को शरीक ना बनाओ और अल्लाह ताली की इबादत के साथ बुतों मूर्तियों और ताबूत की इबादत ना करो अब आप कहेंगे बुतों और मूर्तियों को तो हम जानते हैं ताबूत क्या है तो जी ताबूत जो है वो हर सरकश कुत है जो कि हमें बंदगी की हदूद से बाहर निकाल देती है यानी आप देखिए कि वो जो ताबूत है वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं वो हमारा टीवी भी हो सकता है वो हमारे घर के ऐसे कामकाज जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी हो सकते हैं वो हमारा किचन भी हो सकता है यानी हर वो चीज जो कि हमें अल्लाह सुबहाना वाले की इबादत ना करने दे और अपने अंदर मशगूल कर ले और ऐसा मशगूल कर ले कि हमें जो है वो फर्ज नमाजें पढ़ने की भी जो है वो इस्तात ना हो या हम पुरान पाक को ज्यादा ना पढ़ते हो या हमने अदीस को तो कभी खोल कर ही ना देखा हो तो हर वो सरकश कुत जो कि बंदगी की हद से हमें निकाल दे वो ताकूत कहलाती है तो अब क्या हुआ कि क्या कहा गया कि अल्लाह सुबहाना वाले की ताऊत की ना करो यानी कोई ऐसा काम ना करो कि जो तुम्हें बंदगी की हद से निकाल दे आप देखिए उस जमाने में टीवी नहीं होता था जुआ होता था से होते थे और इस तरह के बहुत सारी गे, गेम्स होती थी जो कि सारा सारा दिन जो है ये लोग उसके अंदर मशगूल रहते थे फिर इसी तरह जो मर्द हजरात होते हैं उनके लिए उनका बिजनेस भी जो है, वो बाज़त बन जाता है जो उन्हें फर्ज नमाजें भी पढ़ने की जो है, वो इस्ततात नहीं होती तो अल्लाह सुबहाना वाल हम सबको इस ताबूत की इबादत से भी दूर फरमा दे और देखे बुद्धों और मूर्तियों की तो हम इबादत नहीं करते लेकिन हम सब के अंदर एक ऐसी ताबूत जो है एक ऐसा ताबूत हम सब के अंदर मौजूद है जिसकी इबादत हम जरूर करते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी इबादत को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर आपने उन्हें तबलीफ फरमाई कि अल्लाह सुबहाना तला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं कोई उसके बगैर परवरदिगार नहीं तुम सब उसी को खुदा मानो सिर्फ उसी की इबादत करो इस तरह अल्लाह सुबहाना तला ने हजरत नू असल्लाम के बाद उनकी औलाद से मबूस होने वाले अम्बिया और रसुल को हुक्म दिया जैसा कि इन आयात से जिसमें अल्लाह सुबहाना फरमाते हैं और नीने वाला हज़रत इब्राहिम और हजरत नू आम के मतलब अल्लाह सुबहाना तरमाते हैं और हमने रख दी इन दोनों की नस्ल में नबूत और किताब यानी हजरत नू आलाम के बाद भी जितने भी नबी और रसूल आए उन तमाम का ताल्लुक हजरत सलाम की औलाद से था और इसी तरह हजरत इब्राहिम के बाद भी जो नबी मबूस हुआ वो उन्हीं की पुश्त में से था इसी तरह अल्लाह तआला फरमाते हैं सूरत की आयत है और हमने भेजा हर उम्मत में एक रसूल के इबादत करो अल्लाह व तआला की और दूर रहो ताबूत से इन तमाम में हजरत की की दावत जा की कर तो करते देखो रात जो है अब अंधेरी हो गई है और रात की तारीखी की तरफ उनको जो है था, वो दिखाते देखो अब सूरज चला गया है शाम कैसे आई रात कैसे आई फिर जब रात को फाड़ कर दिन निकलता था तो उसकी रोशनी की तरफ तवज्जो दिलाते थे कि देखो अंधेरे को फाड़ कर जो है वो रोशनी आई है ये कैसे आई है और फिर वो बताते थे कि इस निजाम को देख कर इस अला हस्ती का तुम सब लोग यकीन कर लो कि जिसके दस्ते कुदरत में इस निजाम के पीछे कार फरमा है यानी रात खुद से नहीं आ रही और ये दिन भी खुद से नहीं हो रहा तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई है यानी उनको तमाम जो है वो निशानियां दिखा दिखाकर समझाते थे कभी सिरी तरीका आहिस्ता आवाज़ से जो था वो बोलते थे आराम से प्यार से मोहब्बत से कभी जहरी तरीका ऊंची आवाज से जिस तरह से जरूरत होती कभी उन्हें तरहीब देते कभी उन्हें तरहीब देते कभी जो था उनको समझाते और कभी जो था एक गुस्से वाला आवाज़ भी कर लेते थे लेकिन तबलीग का कोई भी तरीका जो था वो कारगर साबित नहीं हुआ लोग जलालत और सरकशी पर डटे रहे और मूर्तियों की इबादत से बिल्कुल ही इज्तनाब ना किया बल्कि आपकी तबलीग से उनकी दुश्मनी का शोला भड़क उठा यानी हजरत अलैहिस्सलाम से उन्होंने दुश्मनी पाल ली और हर वक्त हर लम्हा आपके खिलाफ सोचने लगे आपकी तबलीग को वो तमस्खर में उड़ा देते और आपकी और आपके मुतबीन की तहकीर और तनकीस शान करके अपने दिल की भड़ास निकालते यानी हज़रत नू आम और हज़रत नूसम पर जो कुछ लोग ईमान ले आए थे दिन रात जो था वो उनको हकीर करने के लिए कभी उनको बातों से कभी उनका मजाक उड़ाकर और इस तरह से जो था वो दिन रात उनको हकीर करने के लिए जो था वो कोशिशें इनकी जारी थी जब तक तबलीग का सिलसिला जो है वो दराज हुआ तो इनकी सरकशी में और इजाफा होता गया यानी इधर हज़रत नू आलाम तबलीग का सिलसिला बढ़ाते गए और उधर ये सरकशी में आगे से आगे बढ़ते चले गए वो हजरत अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे कि अगर दावत और इरशाद का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हम तुझे पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे और तुझे इस शहर से भी निकाल देंगे उनकी दुश्मनी की तो कोई हद ना रही आए दिन इनकी सरकशी में इजाफा होता रहा और इसी तरह कुरान पाक में भी है वकाल इमिन कौमी ही यानी हजरत सलाम की कौम के जो बड़े बड़े रईस थे वो कहने लगे कि हम तो तुझे जलालत में देखते हैं हम तो तुझे गुमराही में देखते हैं और कौन सी गुमराही में कि तुम हमारे पास आलमीन के रसूल हो हम तो नहीं जानते कि तुम आलमीन के रसूल हो हम तो तुम्हें गुमराह देखते हैं तो आपने फरमाया कम अकलो अक्कल के नाखन लो मैं गुमराह नहीं बल्कि तुम्हारे आलमीन का रसूल हूँ मैं तुम्हें उस खुदा की इबादत की तरफ देखता हूँ जो बेबस नहीं है कादर मुतलक है जब किसी चीज का कहता है हो जा तो वो एक लम्हे में मारे से वजूद में आ जाती है और तुम मुझे बेराहो रो कहते हो और मैं तो तुम लोगों को अल्लाह सुबहाना तआला का पैगाम पहुंचा रहा हूँ और तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि तुम मुझे इसलिए गुमराह कहते हो कि तुम वो नहीं जानते जो कि मैं जानता हूँ इसी तरह कौम का जुटलाना और दीने हक कबूल करने से इनकार करना हजरत नू असलम अल्लाह सुबहाना वातम्बर होने के नाते बहुत फसी और बलीग थे और मुखलस नसीहत करने वाले भी थे जो कुछ वो जानते थे दुनिया के तमाम लोग भी जानने से कासिर थे क्योंकि वो तलमीज़ रहमान थे तलमीज होता है तलब इलम शागिरद तो वो रहमान के शागीद थे और लोगों को का तारुफ कराने आए थे अल्लाह तला अल्ला की जात का लेकिन कौम ने आपकी मुखलसाना नसीहतों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और सूरतराफ में इन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी देखते हैं कि हम तुम्हारी पैरवी करें किसी ने कि तुम्हारी पैरवी किसी ने की हो मगर हमारे कमीनों ने यानी सरसरी नजर से ये जो लोग हजरत नूसलाम की पैरवी करते थे जो हजरत नूलाम के बात मानते थे ये उनको उनकी तहकीर में जो है वो इस तरह से बातें करते थे उनको हकीर जानने के लिए कि ये कौन लोग है जो आपकी पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम तो उन्हें सरसरी नजर से देखते हैं और हम तुम में अपने ऊपर कोई बड़ाई नहीं पाते बल्कि हम तो तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं उन्हें ताजुब हुआ कि एक इंसान अल्लाह का रसूल कैसे बन सकता है वो आप पर ईमान लाने वालों को बेइज्जत करते उन्हें जलील और कमीना गुमान करते थे कहा जाता है जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया उनका ताल्लुक बहुत गरीब तबके से था और वो लोग उन्हें कमी और आजिज शुमार करते थे और यही वजह थी कि उन्होंने आपकी दावत पर गौर खौस नहीं किया बल्कि जो था वो अंधी तकलीद करते हुए जो था वो अपने बड़ों के पीछे ही चलते रहे फिर इसी तरह सरदारान कौम का भी ये मुतालबा था कि हज़रत नू असलम अपने गरीब असहाब को अपने से दूर कर दें तब वो इनके पास जमा होंगे और वो इनकी बात मानेंगे लेकिन हज़रत नू आलाम ने इनकार कर दिया और आपने देखा कि कुरान पाक में हजरत मोहम्मद सल्म से भी यही मुतालबा था कि अपने सहाबा इकराम को जो है वो अपने आप से दूर कर दें तब हम जो है वो आएंगे आपके पास और आपकी बात सुनेंगे लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लाम ने भी इनकार कर दिया था और फिर हजरत नाम ने क्या कहा था कि वो तो अपने रब से मिलने वाले हैं और मुझे खौफ है कि अगर मैंने इन मुखल बंदगाने खुदा को अपने से अलग कर दिया तो कल मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा